हेलो गाइस, वेल्थ एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज मैं आपके लिए चार ब्रेकआउट स्टॉक लेके आया हूँ जो कल यानी कि 19 जून 2024 को अच्छी रैली दिखा सकता है। तो गाइस, आपको करना क्या है, वीडियो पूरा देखना है। वीडियो के बीच में मैं आपको एक वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टॉक भी दिखाऊंगा कि पूरे पीयर सेक्टर यानी कि उसके जो भी सेक्टर में कंपनी है उससे सबसे सस्ता स्टॉक है और वैल्यूएशन बहुत तगड़ा है उसका। तो वो ऐसे मल्टीवेदर स्टॉक भी मैं बताऊंगा, तो आप वीडियो पूरा देखना है। तो अभी अपने चलते हैं पहला स्टॉक जो कल अच्छी रैली दिखा सकता है। उसमें पहला स्टॉक का नाम रहेगा ब्रिटानिया। जो अपने संडे को ट्रेड दिए थे उसमें कोई भी कॉल एक्टिव नहीं होता। ब्रिटानिया देख लो, मैरी को देख लो, सन टीवी देख लो, वो सब एक्टिव नहीं होता। तो अभी चलते हैं पहला ब्रिटानिया, जिसमें अच्छी रैली आ सकती है, लेकिन सेम टू सेम वही लेवल रहेंगे जो संडे के वीडियो में बताए थे। क्योंकि आपको भी पता है कि अभी FMCG सेक्टर अच्छा करने वाला है, तो इस स्टॉक को आपको मिस नहीं करना चाहिए। यहाँ पे स्टॉक का नाम देख सकते हो, डेली चार्ट के ऊपर क्लियर कट आपको यहाँ पे सप्लाई जोन दिख रहा है। यहाँ से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट किया। रिटेस्ट कैंडल के बाद देखोगे तो दो दिन स्टॉक इनसाइड बारी बना रहा है। तो अभी स्टॉक का CMP कितना है, 5,395 के आसपास है। तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, 5,450 के ऊपर जैसे स्टॉक जाएगा तो अच्छी रैली आ सकती है। 5,340 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 5,550 के टारगेट 1 से 3 दिन में स्टॉक दिखा सकता है। वेट एंड वॉच करना है। उसके बाद ब्रेकआउट के बाद यानी कि 5,450 के ऊपर जाता है तभी इसमें पोजीशन बनानी है। अभी गाइस मैं आपको दूसरा स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम रहेगा मैरिको। तो मैरिको में क्या हो सकता है वो अपने देख लेते हैं। तो यहाँ पे कहाँ पे चल रहा है, 623 के आसपास चल रहा है। डेली चार्ट के ऊपर सेम पैटर्न है। आप देखोगे तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। स्टॉक में यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके दो दिन से इनसाइड बार बना रहा है। यानी कि ये जो सपोर्ट कैंडल है उसके हाई के ऊपर जाएगा तो बहुत बड़ी रैली ऊपर की साइड आ सकता है, ये अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो अभी कुछ नहीं करना, 636 के ऊपर पोजीशन बनानी है, 605 का स्टॉप लॉस लगाना है। 660 के टारगेट 1 से 3 दिन में स्टॉक दिखा सकता है। तो गाइज आज वीडियो बनाने में लेट हो गया क्योंकि आज मैंने टेलीग्राम पे आपको यहाँ पे देखोगे तो छोटा सा क्लिप भी डाला था एडलवाइज म्यूचुअल फंड के बारे में। तो यहाँ पे सेमिनार में मैं गया था तो वहाँ पे जाके आने में थोड़ा लेट हो गया। तो गाइज म्यूचुअल फंड में अगर आपको डेटा आपके पास है सही, म्यूचुअल फंड स्टॉक सिलेक्शन के जैसा ही होता है, फंड सिलेक्शन भी बहुत जरूरी होता है। तो अगर आपको म्यूचुअल फंड में कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। अभी गाइज मैं आपको तीसरा स्टॉक बताऊंगा जिसको आप वैल्यू इन्वेस्टिंग के तौर पर भी मैं आपको स्क्रीनर पर लेके भी जाऊंगा। तो यहाँ पे स्टॉक का नाम पहले देख लो, नेस्को स्टॉक का नाम है। एक ऐसा स्टॉक है हर गिरावट में आप बाय करोगे तो आपको इसमें रिटर्न बन सकता है, लेकिन अभी मैं आपको स्टॉप लॉस के साथ दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म आपका टाइम पीरियड है 1 से 3 साल के लिए अगर होल्ड करना चाहते हो तो ये मल्टीबैगर हो सकता है। डेली चार्ट के ऊपर अपने सैटरडे के वीडियो आते हैं उसमें भी स्टॉक को दिया हुआ ही है। तो एक क्लियर कट स्टॉक का सप्लाई जो था बहुत टाइम से स्टॉक 905 से 935 पे रिजेक्शन ले रहा था, लेकिन फाइनली देखोगे तो ब्रेकआउट देके ऊपर गया। तो अभी ये क्या हो जाएगा, स्टॉक का सप्लाई जोन डिमांड जोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी 957 चल रहा है तो स्टॉक बहुत अच्छा है, वैल्यूएशन के हिसाब से भी बहुत बढ़िया है। तो आप कल ओपन प्राइस पे इसमें एंट्री कर सकते हो 905 का DCB, यानी कि 905 के नीचे डेली क्लोज दे तब भी एग्जिट करना है। आराम से एक महीना होल्ड करके रखो, ये स्टॉक आपको 1100-1200 के लेवल पे वेरी सून देखने को मिल सकता है। एक महीने का टाइम पीरियड आपको एक महीना देना पड़ेगा। अभी मैं आपको इसमें थोड़ा लंबे स्क्रीनर पे जाके दिखाऊंगा कि नेक्स्को में अच्छा रिटर्न क्यों बन सकता है। तो यहाँ पे सबसे मेरा फेवरेट यहाँ पे रेशियो देखोगे तो ऑलवेज ROC होता है, वो स्टॉक जो भी स्टॉक का PE है उससे ज्यादा होता है। तो ROC जो भी स्टॉक का ROC 20% के ऊपर होता है तो वहां पे पहला टिक हो जाना चाहिए कि ये स्टॉक अच्छा है। लेकिन सिर्फ ROC पे आपको फोकस नहीं करना, उसके बाद देखोगे तो पैग रेशियो भी 1 के आसपास चल रहा है। तो अभी मैं आपको पीयर कंपैरिजन करके भी बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि पीयर कंपैरिजन में सबसे सस्ता PE वाला स्टॉक है। तो कंपनी में यहाँ पे देखोगे तो ऑलमोस्ट क्या है, डेट फ्री कंपनी है। और सबसे मेन देखोगे तो ये उसका पीयर कंपैरिजन करेंगे, सेक्टर कौन सा है, रियल्टी सेक्टर है। तो यहाँ पे देखोगे तो DLF है, गोदरेज प्रॉपर्टी है, सब सारे स्टॉक में। नेस्को में आप PE देखो कितना PE चल रहा है, 18 का PE चल रहा है दूसरी कंपनियों के कंपेरिजन में। उसके बाद ROCE देखो, ROCE भी पीयर कंपैरिजन में सबसे ज्यादा ROCE इसका है। तो अच्छी बात है, इसका PE भी कम है, ROCE भी ज्यादा है और डेट टू इक्विटी रेशियो देखो 0.0 है, यानी कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी बोल सकते हो। तो वो अच्छा बात है। उसके बाद सेल्स ग्रोथ भी देखो, सबसे ज्यादा इसका
सेल्स ग्रोथ भी है, फोनिक्स का है लेकिन उसका पी ज्यादा है, और इंडस्ट्री का पी देखोगे तो कितना है, सिर्फ 32 का है, तो 32 के ऊपर के जितने भी पी वाले स्टॉक है वो महंगे काउंट होते हैं, और नेस्को का पी देखोगे तो सिर्फ 18 का है, तो इंडस्ट्री के पी के कंपेरिजन में भी स्टॉक बहुत सस्ता है। प्रॉफिट ग्रोथ भी इसमें देखोगे तो सालाना 18% से ग्रो कर रहा है, तो ये सब अच्छी बात है। कंपनी में आप देखोगे तो पैग रेशियो भी सबसे सस्ता है इसको, और उसमें एफआईज ने भी इंक्रीज किया है, अपना होल्डिंग इंक्रीज किया है, तो सबसे बढ़िया कंपनी है पीयर कंपेरिजन के हिसाब से भी देखोगे तो। अभी अपने चलेंगे उसके रिजल्ट, जो क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं उसमें अपने सेल्स देखते हैं कि इसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है कि नहीं आ रही। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो पहले 2021 में मार्च में 75 करोड़ का था, उससे बढ़ के 189 करोड़ का सेल्स हो गए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखोगे तो अच्छा है, और सबसे अच्छी बात इसमें देखोगे तो क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 62% का है, और यहाँ पे देखोगे तो उसका नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, तो सब कुछ इसका अच्छा है। आप बोल नहीं सकते कि इसका कुछ भी खराब है। अगर आपको एक कंपनी में कुछ भी ऐसा रेड फ्लैग दिखता है तो क्या करना है, कमेंट करके मुझे बताना कि इसमें क्या रेड फ्लैग हो सकता है। वैसे मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, सारा सब कुछ क्लियर है इसमें, तो ऐसी कंपनी बहुत कम मिलती है, तो आपको ऐसी कंपनी में फोकस करना चाहिए। और यहाँ पे देखोगे तो उसका ईयरली रिजल्ट भी देखोगे तो उसमें भी ईपीएस भी इंक्रीज हो रहा है, सब कुछ अच्छा है उसका। प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे, सेल्स का ग्रोथ देखोगे, प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे, तो ऐसी कंपनी में आप फोकस कर सकते हो, ऐसा कंपनी आपको मल्टी बैगर रिटर्न भी दे सकता है। तो नेस्को पे आप यहाँ पे अगर 1 से 3 साल का है तो स्टॉप लॉस के बिना भी आप पोजीशन बना सकते हो, बहुत तगड़े रिजल्ट इसमें मिल सकते हैं। तो ये हो गया अपना वैल्यू बाइंग के हिसाब से, इसमें वैल्यू भी है, ग्रोथ भी है, मोमेंटम भी है, क्योंकि मोमेंटम देखोगे तो होल्डिंग के साथ ब्रेकआउट भी दे चुका है स्टॉक, यानी कि उसका जो भी कंसोलिडेशन चल रहा था वो अभी मोमेंटम में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे सब कुछ है, तो ऐसे स्टॉक को आपको मिस नहीं करना चाहिए। उसके बाद अपना आएगा एक हैवल्स। हैवल्स में क्या हो सकता है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, तो अभी 1828 के आसपास है, तो अभी आपको कुछ नहीं करना, 1790 के बाद आपको पोजीशन बनानी है, अभी कुछ नहीं करना। यहाँ पे देखोगे तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, तो स्टॉक में अगर गिरावट आती है तब आपको पोजीशन बनानी है, उसके बाद स्टॉक में ऊपर की साइड अच्छी रैली आ सकती है। आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1710 का, अभी कुछ नहीं करना, वेट एंड वॉच करना है। अप साइड में 2000 के टारगेट एक महीने में आ सकते हैं। स्टॉक का नाम है हैवल्स, डेली चार्ट के ऊपर एनालिसिस किया। तो गाइज मैंने आपको टोटल 4 स्टॉक बताए, 4 स्टॉक में एक स्टॉक ऐसा है जो वैल्यू इन्वेस्टिंग बोल सकते हो, आप अंडर वैल्यू स्टॉक भी बोल सकते हो, मल्टी बैगर भी बोल सकते हो। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछना है। गाइज थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।